बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से काफी हिंसा देखने को मिली। हसीना के इस्तीफे के बाद खास तौर पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा था। हालांकि नई सरकार ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बीच बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार सखावत हुसैन अपने सख्त फैसलों के लिए चर्चा में है। नई सरकार के गठन के साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार के लिए कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आज जहां उन्होंने हिंदू त्योहारों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं रविवार को उन्होंने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदू समुदाय से भी माफी मांगी। सखावत हुसैन ने कहा कि हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना देश के बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने पर्याप्त सुरक्षा ना कर पाने के लिए हिंदू समुदाय से माफी मांगी और भविष्य में सुरक्षा का भरोसा देते हुए सुधार की भी उम्मीद जताई। सखावत हुसैन ने कहा कि हाल ही की हिंसा के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों से लूटी गई राइफलों के साथ साथ तमाम अवैध हथियार 19 अगस्त तक पुलिस को सौंप दिए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर वो हथियार पास के पुलिस थानों को वापस नहीं किए गए तो हम हथियारों की तलाश करेंगे और अगर हमें किसी से हथियार मिलते हैं तो उसके खिलाफ अवैध और सरकारी हथियार रखने के 2 मामले दर्ज किए जाएंगे। इससे पहले रविवार को सखावत हुसैन ने यह कहा था कि पुलिसकर्मियों को अब हथियारे या गुंडों के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज से 15 से 20 साल पहले पुलिसकर्मियों को काफी घातक हथियार दिए गए थे जो नहीं दिए जाने चाहिए थे। उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब बांग्लादेश में राजनीति करना मुश्किल होगा, आप पुलिस को हथियारों की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। गृह मामलों के सलाहकार ने ही पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा है और इसके लिए उन्होंने गुरुवार यानी कि 15 अगस्त तक की डेडलाइन दी है। सखावत हुसैन ने मीडिया से बातचीत में यह कहा है कि बांग्लादेश में हिंसा और लूट की घटनाएं हो रही हैं क्योंकि सड़क पर पुलिस ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों पर हुए हमले के चलते उनका मनोबल गिर गया है और उन्होंने जनता से पुलिस का सहयोग करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश और उसकी राजनीति इस तरह नहीं चल सकती और बंगबंधु ने निश्चित रूप से योगदान दिया है, लेकिन देश को आजाद कराने के लिए हजारों लोगों ने लड़ाई लड़ी और 30 लाख लोग मारे गए। बांग्लादेश किसी की भी निजी संपत्ति नहीं है। इसके अलावा आज उन्होंने हिंदू त्योहारों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद 26 अगस्त को पहला हिंदू त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा। ऐसे में बीते दिनों अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अंतरिम सरकार के सलाहकार सखावत हुसैन ने कहा है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं के सबसे बड़े उत्सव दुर्गा पूजा के लिए 3 दिन की छुट्टी की भी सिफारिश करेंगे। सखावत हुसैन कौन है ये भी जान लीजिए। सखावत हुसैन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के टॉप 5 पावरफुल चेहरों में से एक माने जाते हैं। वो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल हैं और उन्हें यूनिस सरकार में बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो गृह मामलों के सलाहकार हैं और इससे पहले वो बांग्लादेश में चुनाव आयुक्त के तौर पर भी काम कर चुके हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।